लखनऊ के चिन्हट में ढाबे पर मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाराबंकी से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ढाबे पर धर्मेंद्र के बेटों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच में मारपीट और फायरिंग हुई थी। पूरी घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। धर्मेंद्र यादव भी लाइसेंसी पिस्टल के साथ दिखा है। पुलिस ने धर्मेंद्र का असला लाइसेंस निरस्त करने के लिए बाराबंकी पुलिस को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव की दो पत्नियों के बेटों के बीच में विवाद हुआ था। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, विस्तार से दीजिए जानकारी। देखिए, बाराबंकी से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव, उनकी दो पत्नियां हैं, एक बाराबंकी में रहती है और दूसरी लखनऊ के गोमती नगर में। बताया जा रहा है इन दोनों पत्नियों के बेटों के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। गोमती नगर वाले घर में तीन दिन पहले देर शाम बातचीत भी चल रही थी, उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ। फिर एक पक्ष ढाबे पर खाना खाने गया लखनऊ अयोध्या हाईवे के आदर्श ढाबे पर, दूसरा पक्ष भी फिर वहां पहुंच गया। वहां पर दोनों में मारपीट हुई है, हवाई फायरिंग हुई है। सूचना पर धर्मेंद्र यादव भी वहां मौके पर पहुंचे थे, उनके हाथ में भी पिस्टल दिखी है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि धर्मेंद्र यादव ने फायरिंग की थी या नहीं, लेकिन खुलेआम अपना लाइसेंसी असलाह लेकर वो घूम रहे थे और ढाबे में दोनों पक्षों के बीच में मारपीट फायरिंग हुई थी। लिहाजा फुटेज के आधार पर चिन्हट पुलिस ने धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उनका लाइसेंस जो बाराबंकी से बना हुआ उसको निरस्त करने की रिपोर्ट भेज दी है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपको बता रहे हैं। अमेरिका से खबर जहां के लुसियाना में 22 मंजिला इमारत का ध्वस्त होने का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। ये देख रहे हैं आप वीडियो, देखिए 22 मंजिला इमारत ध्वस्त की गई है। तूफान के कारण बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने इस बिल्डिंग को गिराने का फैसला लिया। आप देख सकते हैं ताश के पत्तों की तरह ये 22 मंजिला इमारत भरभरा कर नीचे आई है, जिसको बहुत ही सिस्टम से नीचे गिराया गया है ताकि आसपास के इलाके को नुकसान ना हो और मलबा भी एक सीमित जगह में रहे। हाई टेक्नोलॉजी के साथ ये इमारत जो कि 22 मंजिला थी, इसको धराशायी किया गया है। तो पूरी बिल्डिंग में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारूद जो फिट किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया ताकि ये बिल्डिंग गिरे और आसपास की जगह को भी नुकसान ना हो और बिल्डिंग का मलबा जो हो वो भी एक सीमित दायरे में आकर रुक जाए।